ओके सो बाइक जो है वो अपनी आ चुकी है। नेक्स्ट डे अभी बज के सुबह के 10, जाऊंगा यहाँ पे नजदीकी सर्विस सेंटर है सुजुकी का। चिराग आया मेरे साथ। सो अभी ये देखो बाइक हमारी जा रही है सुजुकी सर्विस सेंटर में, थाने में है। हाँ बड़ा फटका बैठा है, बड़ा बहुत बड़ा खर्चा है, अभी ऑलमोस्ट 10,000 का फटका बैठा है। चलो चलो चलते हैं, अभी सीधा घर चलते। एंड वन मोर थिंग, अभी कंपलसरी पिलियन को भी हेलमेट दिया हम लोगों ने, मैंने इसके लिए हेलमेट पहन के आया, टोल नाका पे पकड़ रहे थे पब्लिक को, कंपलसरी हेलमेट पहनो पिलियन हो तो। बाइक जो है वो अपनी रेडी हो चुकी है, बिल भी अच्छा खासा बना है उसका। ओके सो बाइक अपनी रेडी हो चुकी है, लुक एट हर नाउ, एकदम क्लीन टकाटक, बहुत सारा काम किया है। ये सब जितने भी पार्ट दिख रहे हैं सब नए लगाए हैं, क्लच प्लेट भी नया लगाया है। ऑल राइट, फाइनली अपनी बाइक अपने पास आ चुकी है। मैंने फ्राइडे को बाइक दी थी, आज संडे है, 2 दिन में बाइक एकदम टकाटक रेडी करके बन गई है, अपने को मिल गई 2 दिन में बाइक। खर्चा तो अच्छा खासा हुआ है, अभी खर्चे पे बोलना मतलब छोड़ ही दो, मेरा ओवरऑल ट्रिप का जो खर्चा है उतना ही समझ लो। बट बाइक अपनी प्रॉपर रेडी हो के आ चुकी है तो अच्छा लग रहा है, क्लच प्लेट भी नया डाला। चिराग आया था मेरे साथ अभी, यार ये बाइक अभी चलाने का अलग ही सुकून मिल रहा है, ऐसा मिस कर रहा था ना मैं बाइक को। अभी थोड़ा छोटा मोटा ही काम बचा है, मतलब ब्रेक पैड डालने का और आगे बियरिंग डालने का फ्रंट का, वो धीरे धीरे करूँगा, एक तो पहले ही बड़ा झटका बैठा है। और स्काई बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ब्रेकिंग भी अच्छी की है उन्होंने, मतलब प्रॉपर सर्विस करके मिली है, एकदम नए की तरह चमक रही है, टकाटक हो गई है बोले तो। बाइक का पिकअप अच्छा खासा बढ़ गया है और स्मूथली जा रही है एकदम। एक्चुअल में ना थाने के जो सुजुकी का सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पे सर्विस अच्छी मिलती है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुलुंड से बेटर है थाने का सुजुकी सर्विस सेंटर। बाइक का गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ हो गया है, बस होपफुली आगे ऐसा कोई प्रॉब्लम ना है। अभी क्या मुझे ही देखना है सब ऑयल लेवल नेक्स्ट टाइम से। अभी लॉन्ग राइड पे तो नहीं लेके जाऊंगा इसको, बट नज़दीक लेके जा सकता हूँ, स्टेट में तो घूम सकता हूँ बट लॉन्ग पे जाने का रिस्क नहीं लूँगा मैं। और राइड पे कभी गया तो मैं अपने साथ कंपलसरी ऑयल कैरी करूँगा, मैं रिस्क लेना ही नहीं अगली बार से, इतना जोर का झटका पड़ा है ना लाइफ में। हम देखो ऐसे एक एक लेसन मिलते रहते हैं ना, आदमी ऐसे लेसन के साथ ही सीखता है, अच्छे बुरे हर एक टाइप के लेसन मिलते हैं, कोई ना इसी का नाम तो ज़िंदगी है। अभी क्या छोटा मोटा खर्चा एक्सेप्टेबल था, मतलब नॉर्मल ऐसा, बट ये तो बहुत बड़ा ही झटका लगा ना, पूरा मैथ्स कैलकुलेशन ही बिगड़ गया है महीने का। आज क्लाउड्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं, पूरा स्काई ब्लू ब्लू स्काई, सफ़ेद बादल, एकदम फोटोजेनिक हुआ है। बाइक रिटर्न मिल गया है, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सच में बताओ क्या ही बताओ आप लोगों को। एक राइडर ही जान सकता है ऐसे सिचुएशन के बाद, जब बाइक अपने पास आती है काम होने के बाद, तो राइडर को ही पता रहता है वो फीलिंग। जब मैं सर्विस सेंटर के अंदर गया तब देखा बाइक, अरे सुकून आ गया, ऐसा जान में जान आ गई, एकदम वॉश की हुई, पार्ट्स पूरे नए लगाए थे। और चिराग ने सोच लिया कि अभी जा रहे तो यहाँ पे भांडू पंपिंग स्टेशन करके प्लेस है, मेरा ब्लॉग है उसका भी, तो वो भी वीडियो आप जाके देखो, 2020 में गया था मानसून में,
वो ज़रा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अभी आज जाके देखता हूँ कुछ ऐसा देखने मिल रहा है क्या थोड़ा शूट वगैरह के लिए। लेट्स सी अंदर जाने का परमिशन मिलता है क्या, क्योंकि लास्ट ईयर गया था तो परमिशन नहीं मिल रहा था अंदर। अभी जितना तक मिल रहा है उतना जाएंगे, थोड़ा मोटो व्लॉग भी हो जाएगा क्योंकि ये प्लेस का मेरा मोटो व्लॉग ऐसा प्रॉपर नहीं है इसके लिए। यहाँ पे सब सॉल्ट तैयार होता है, आगे आपको सॉल्ट के ये दिखेगा, क्या बोलते हैं अभी उसको, ढांचा दिखेगा, ढांचा भी नहीं बोलते, पहले हम लोग बहुत आया करते थे ये जगह पे। अभी आज भी देखो एकदम खूबसूरत लग रही है फोटो लेने का, अभी गोप्रो में भी दिख रही होगी बोल सकता हूँ मैं क्योंकि गोप्रो की क्वालिटी मुझे पता है। हाँ, इसके अंदर सॉल्ट है, ये ऐसे रखा है, इसके अंदर सॉल्ट रखा है जो वाइट सॉल्ट रहता है हार्ड वाला वो। और एकदम आगे गए तो आगे बर्ड वॉचिंग पॉइंट है, सब सॉल्ट रखा है। मैं यहाँ बीच में ऐरोली खाड़ी है और अपोजिट में ऐरोली है पूरा नवी मुंबई। अभी ये ठाणे क्रिक के अंडर आता है, आपको अंदर चार्जेस है, एंट्री फी है 50 रुपीज़ पर पर्सन और बाइक का अलग है चार्जेस 50 रुपीज़। तो हम लोगों ने, मैंने बाइक रखा वहाँ पे, तो अभी 150 रुपये दे के हम तीनों जा रहे हैं, मैं ये और इसकी बाइक, इसकी बाइक मैं चला रहा हूँ क्योंकि मोटो ब्लॉक करना है मुझे। और हम लोग कैसे एक साल के बाद आ रहे हैं ऑलमोस्ट, तो बोलते ठीक है चलेगा कोई नहीं जाते, बड़े टाइम के बाद आ रहे। अभी पूरा ऑफ रोडिंग वाला पैच है थोड़ा बहुत, और मानसून के टाइम ही ऐसा रहता है। हाँ नहीं रे, ते नाइट होते ऐसे जंगल से रोड ना ऐसे नाइट होते। हाँ यहाँ पे कई तरह के वाइल्ड, हाँ वाइल्ड या फिर ऐसे नॉर्मल भी बर्ड्स देखने मिलेंगे। ये देखो सांप भी है, लास्ट टाइम मैं आया था तब मैंने बड़ा एकदम ब्लैक कलर का देखा था, 6-7 फुट रहेगा सांप, पानी वाला सांप भी है। पहले ऐसा नहीं लगाए थे बोर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, बट अभी ये लगा है, अच्छा है। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, एशियाज लार्जेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। सरड़ा होता हो, बरच वर्षा आलो ना अपन खूब खूब। मैनग्रोव्स को मराठी में कांदेवन बोलते हैं। आगे जेट्टी भी है, वहाँ से आपको बोट राइड मिलेगी, उसके चार्जेस तो पता नहीं बट कुछ तो 500 रुपीज़ पर पर्सन है, पूरा ऐरोली की खाड़ी के चक्कर लगवाएंगे ऐसा कुछ तो सीन है, एग्जैक्ट पता नहीं, डोंट कोट मी ऑन दिस। हाँ चलो अभी वहाँ पे जाते हैं, अभी फ्लेमिंगो का सीज़न है, थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को अभी फ्लेमिंगोज। आगे बर्ड वॉचिंग पॉइंट है वहाँ पे ऊपर से, पब्लिक बड़े बड़े DSLR लेके आती है यहाँ पे। यहाँ से भी दिखता है वो, ये आगे जो दिख रहे हैं वो फ्लेमिंगोज है। हाँ अजून प्रॉपर हिरवा झाली नाही, ये पूरा ग्रीन ग्रीन अपना ग्रास आया रहता है यहाँ पे, हरा भरा हुआ रहता है। अभी आगे के पॉइंट पे लेके जाता हूँ, बारिश हो गया अभी अभी शुरू हो के 3-4 दिन ही हुए, सो ऐसे ही दिखेगी ये प्लेस। अगर आप 2 महीने के बाद आते हो, ये पूरा झाड़ी यहाँ पे रहता है ग्रीन। चलो एक अच्छा है, एंट्री फी किया है तो क्या यहाँ पे मतलब चीप क्राउड भी नहीं आएगा पब्लिक। हाँ
ये बर्ड वॉचिंग पॉइंट, बट अभी बंद की है। हाँ तिकड़े खेल लो अपन। हम लोग यहाँ से आगे भी गए थे, पब्लिक ने ये जब सूखा था पानी के अंदर भी गए थे पब्लिक, लिटरली 2016 में। अभी ऊपर से आप देख सकते हो पूरा बर्ड वॉचिंग पॉइंट, अच्छा व्यू मिलता है बहुत। बट अभी वो बंद किया है क्योंकि वो थोड़ा रिस्की है, हैंडल बार भी नहीं है वहाँ पे पकड़ने के लिए। अभी एकदम ऐसे बोर्ड लगा है, नर्सरी भी किया है, ये पूरा झाड़ी से भरा रहता है, इधर कोई जाने का हिम्मत भी नहीं करता। अगर आप यहाँ पे आते तो कंपलसरी ओडोमॉस लगा के आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मच्छर है, पूरा झाड़ी झाड़ी वाला एरिया, जंगल वाला एरिया है। सो ज़रा संभल के आना। ए चिराग, जस्ट चेक दिस आउट। वहाँ पे आगे जेट्टी पॉइंट है, चलो दिखाता हूँ। तो ये जेट्टी है, ये आपको पूरा ऐरोली खाड़ी की सफर करवाती है, फ्लेमिंगोज वगैरह दिखाती है। ये व्यू जाते थोड़ा ट्रेल करते हैं, थोड़ा मतलब है अच्छा खासा। आपके पास वैसा बाइक है तो आप एंजॉय करोगे ट्रेल। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बारिश के टाइम आया था तो पूरा चिखल चिखल था और मैं स्कूटी लेके आया था। ये अभी पूरा सूख गया है, ये ज़्यादा करके लोगों को पता नहीं है ये वाला पैच। यहाँ पे एक ये झाड़ी है ना, यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे बटरफ्लाइज देखे थे, मैं आया था ना फ्रेंड के साथ, बहुत मतलब उनका पूरा एरिया उनसे ही भरा था, अच्छा दिख रहा था वो सब। यहाँ पे डेड एंड है पूरा, ये खूबसूरत स्काय, ये अपना छोटा पैच और वहाँ पे फ्लेमिंगोज। उनके सीज़न में वो मतलब बहुत थाउजेंड में आते हैं यहाँ पे फ्लेमिंगोज, और वहाँ पे अपना पूरा भांडुप। ये चिराग प्रे कर रहा है इतना 150 रुपया भरा है, कुछ तो दिखने को मिले। जास्त पण नको जाऊस ना, हो गया इधर ही एंड है, और पूरा कीचड़ वाला पानी। चिराग शोइंग हिज स्किल्स। चलो कुछ तो मिला देखने के लिए, ये देखो किंगफिशर। अभी गोप्रो में प्रॉपर दिखा होगा नहीं दिखा होगा पता नहीं, बट हम लोग को तो दिखा, तो 50 रुपया तो वसूलो एटलीस्ट। वो देखो खंड्या, मराठी में खंड्या बोलते हैं उसको। पहले चिराग की बाइक लेके गए हम लोग अंदर, और अभी मेरी बाइक लेके जा रहे हैं, बाइक रिपेयर करके मिली नहीं, हम लोग जा रहे हैं ट्रेल पे। क्या एंट्री पॉइंट तक आप लोगों को फ्री है, बट आप निकलो उसके आगे जाओगे तो गेट से तो आपको चार्जेस है। और क्या ये पूरा थाने क्रिक के अंडर आता है, सो इसके लिए चार्जेस है, और एक तरह से अच्छा है, सेफ है पूरा। पहले इधर स्पीड ब्रेकर थे। सो मैं यहाँ पे ही व्लॉग मेरा एंड करता हूँ। सो अगर आपको मेरा ये पूरा सीरीज पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना मेहनत किया है, इतना खर्चा किया है। तो दिस इज़ योर बिंग बाइकर इज साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून, बाय बाय एंड चलो चलते हैं।